वेलकम टू माय चैनल संगीता किचन एंड घर संसार। तो चलिए आज कुछ नया शुरू करते हैं। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए ताकि पूरा वीडियो आप लोगों की समझ में आए। तो आज हम नेपाल की सैर करेंगे। तो अभी हम लोग नेपाल पहुंच गए हैं। हम बच्चे को लेके आए थे हम लोग एक डांस प्रोग्राम के लिए, इसलिए बच्चे तैयार हो गए हैं। अभी थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो बच्चे लोग के हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग काठमांडू के लिए निकलेंगे। हम लोग एक डांस प्रोग्राम के लिए गए थे जो इंटरनेशनल फेस्टिवल था नेपाल में, तो वहाँ के लिए बच्चे को तैयार करके हम लोग फ़ोटो वोटो ले लिए हैं। उसके बाद हम भी थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खींच लिए हैं। और जिस होटल में हम लोग रुके थे वहीं से हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो रास्ते में जाते जाते मैं आप लोगों को नेपाल की सैर कराऊंगी। तो अभी थोड़ा फोटो सेशन चल रहा है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए तो आप लोगों को पूरा नेपाल देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग नेपाल के लिए, हम लोग नेपाल से काठमांडू के लिए निकल गए हैं। अभी हम लोग रास्ते में ही है, तो जाते जाते रास्ते में थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो ले लिए हैं। अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं, उसके बाद हम लोग नेपाल की सैर करेंगे। तो अभी जाते जाते रास्ते में हमें जो जो मेला में शूट करती गई है, काठमांडू का एक एयरपोर्ट होटल है तो उसके पास से हम लोग गुजर रहे थे, तो जाते जाते मैं इसकी फ़ोटो ले ली। और नेपाल शहर बहुत सुंदर है, और देखिए देश कितनी नीट एंड क्लीन है, कहीं पे भी आप लोगों को डस्ट कचड़ा उचड़ा देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत साफ सुथरा शहर को रखा गया है। तो ये कंट्री तो हम लोग कभी जा नहीं पाते हैं, इसीलिए बच्चे लोगों के डांस के प्रोग्राम के लिए हम लोग निकले, इसीलिए हम लोग नेपाल घूम सके। ये एयरपोर्ट म्यूजियम है, तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। तो हम लोग जाते जाते रास्ते में से ही इसको देख लिए हैं, बाद में इसके अंदर भी जाएंगे तो मैं उसका वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग शहर के और जा रहे हैं। तो देखिए नेपाल कंट्री आप लोगों को कैसा लगा, और मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। चारों तरफ घर इतनी सुंदर बनी हुई है पूरा, और कितनी सुंदर देख रहे हैं आप लोग। तो हम लोग ऐसे बस में जाते जाते मैं शूट कर ली हूँ जो जो मुझे सामने मिला। अभी थोड़े देर में हम लोग पहुँच जाएंगे जहाँ पे बच्चे लोगों की डांस का प्रोग्राम है। तो वो एक जगह है जहाँ की कुंज नाटक मंच, वहाँ पे हम लोग अभी जाने वाले हैं। तभी ट्रैफिक के लिए हम लोग रास्ते में थोड़े रुके हुए हैं, उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे आगे।
Thank you.